वो कह रहा है कि मुझे पहले आइडिया था, अब ये तो नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता कि इसको आइडिया था। आज मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त की बर्थडे थी तो ये अभी केक लेके आया हूँ, तो केक लाया हूँ, ये साथ कुछ गिफ्ट्स हैं, तो मैंने कहा कि केक काटेंगे और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अभी मैंने अपनी हैवी बाइक ली है और अभी मैं जो है जा रहा हूँ उसके घर की तरफ। तो अभी मैं उसके घर के बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी शोर नहीं करना, बस मैं आराम से दरवाज़ा नॉक करूँगा, उसको बुलाता हूँ। उसने ना प्रोटोकॉल दिखाया, पहले बंदा आया है वो मुझसे पूछता है आपका नाम क्या है। शुरली ना यार, ये ख़तरनाक काम है शुरली वाला। मैंने उसको कहा था, दूसरी उसके पास क्या है, कोई कैडल थी नहीं, मुझे एज का तो पता नहीं था, एज मैंने नहीं पूछी, मैंने कहा शक हो जाए। ओते अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सैयद अली रिज़वान गिलानी और आप देख रहे हैं नोमीशा वाइब्स। आज मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त की बर्थडे थी तो मैंने उससे पूछा कि यार बर्थडे का केक शेक खिला रहे हो या नहीं, तो वो कहता है मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना यार हम सरप्राइज करते हैं और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मैंने प्लान तो मेरा काफ़ी हैवी वाला था, लेकिन यार वो ड्रामे करने लग गया कि मैं यूँ नहीं जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो नहीं, फला फला मेरा भी। फिर मैंने कहा कि चलो यार ठीक है, मे बी होगा बिजी। तो देन मैंने ये प्लान किया कि मैं फिर उसके लिए अभी केक लेके आया हूँ, तो केक लाया हूँ, ये साथ कुछ गिफ्ट्स हैं। तो मैंने कहा कि यार ऐसे करते हैं कि केक लेके उसके घर जाते हैं, वहाँ पे केक काटेंगे और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और काफ़ी जो है काफ़ी 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 क्या होती है, मतलब कि वीडियो सही लगेगी। ओ अब मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या कहना था, खैर इग्नोर मारे, ऐसी बातों को इग्नोर कर दिया करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो जिना लाइक कीजिएगा, बाकी कर दीजिएगा आपके कौन से पैसे लग रहे हैं। तो चलते हैं, हम बर्थडे बॉय से मिलते हैं, आपको मिलवाता हूँ और केक शेक काटते हैं। वीडियो जो है एंड तक लाजमी देखिएगा। चले अभी मैंने अपनी हैवी बाइक ली है और अभी मैं जो है जा रहा हूँ उसके घर की तरफ। घर उसका यार हमारे टाउन के बिल्कुल साथ है, तो मैंने कहा गाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाना, बाइक पे जाता हूँ, काफ़ी नज़दीक है तो बेहतर है। चलें हम जाके देखते हैं उसका रिएक्शन रिएक्शन चेक करेंगे क्या सीन है। तो अभी मैं उसके घर के बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी शोर नहीं करना, बस मैं आराम से दरवाज़ा नॉक करूँगा, उसको बुलाता हूँ, चलें चेक करते हैं उसको बुला के। जी उसने ना प्रोटोकॉल दिखाया, पहले बंदा आया है वो मुझसे पूछता है आपका नाम क्या है, मैं क्या भाई वाह शशके आज तो भाई हैवी वाले। अब वो खुद आएगा या क्या करते हैं अब देखो। ये जी हमारे बर्थडे बॉय और ये अभी मुझसे पूछ रहा है कि हरकत क्या है। भाई आपको सरप्राइज दिया है मैंने, दिस इज नॉट फेयर। आपको पता था पहले, ये बताओ। मुझे आइडिया था बट दिस इज नॉट फेयर। अब इसमें नॉट फेयर वाली कौन सी बात है, चलो जाओ जल्दी छुरी और वो लेके आओ। वो कह रहा है कि मुझे पहले आइडिया था, अब ये तो नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता कि इसको आइडिया था एमी अपनी तरफ से कुछ भी, और इसमें नॉट फेयर वाली कौन सी बात है यार। मैंने कहा सरप्राइज तो बनता है ना, अब एक बंदा नहीं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता, तो मैंने कहा कि चलो यार इस दफ़ा मैं ही, छोटा सा प्लान हालाँकि बड़ा था, लेकिन इसने टाइम नहीं दिया, मैं बिजी हूँ, मैं इधर जाना उधर जाना, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा चलो ओके करो, तो इतना तो बनता ही है। खैर रिएक्शन देखे आपने, आज ये अभी केक भी काट रहा है। शुरली ना यार, ये ख़तरनाक काम है शुरली वाला। मैंने उसको कहा था, दूसरी उसके पास क्या है, कोई कैडल थी नहीं, मुझे एज का तो पता नहीं था, एज मैंने नहीं पूछी, मैंने कहा शक हो जाए। ओते ही भाई वाह, ये हैं जी हमारे बर्थडे बॉय और इस टाइम पता नहीं ये किन ख्यालों में बैठे हुए हैं जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं सजाऊंगा ये जी मेरी तरफ से देसी तरीके से। तो ये था जी हमारे बर्थडे बॉय। आज छोटा सा प्लान था, प्लान तो मेरा बड़ा था, लेकिन भाई साहब ने कहा कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी बिजी, मैं यूं नहीं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई साहब ने मुझे दिया गेड़ा, ठीक है, वो एक कहते हैं कि सर में ईंट मारने वाले साहब की है। हाँ सज्जी भी खा के खब्बी मारने वाली गल है। मैंने इसे कहा कि भाई मुझे करनी है बड़ी जरूरी आपसे बात, तो मैंने कहा 10 मिनट टाइम दे दो। इसने कहा यार हाँ 10 मिनट टाइम बड़ी मुश्किल से, लेकिन मैंने कहा चलो 10 मिनट का टाइम दे दो। खैर आज का व्लॉग यही था मिनी सा, मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी को सरप्राइज दे रहा हूँ, तो मेरे लिए खास था, तो मैंने कहा कि चलो यार सरप्राइज तो बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी नहीं भी लगी तो खैर है, चिल करो।